नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सुमन कुमार आज अपना लाइव न्यूज चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप आए, खुशी हुई और हमारे न्यूज चैनल पर हर दिन आपको इस तरह की खबर आपको लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं आज इस बार क्यों आपके पास मैं आया। आज आने का खास वजह है इस बाज़ार की तेज़ी। क्या ये बाज़ार की तेज़ी चलती रहेगी? इलेक्शन तो आया है इस बार, लेकिन क्या इस इलेक्शन के पहले भी बहुत इलेक्शन आए, हर बार बाज़ार गिरती रही है? क्या हो रहा है ये? कुछ भरोसा करने वाली बाज़ार है क्या ये? नहीं कह सकते। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम आपके साथ हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, जो भी इंडाइसेस हमारी है बहुत तेज़ी में है। बैंक इंडेक्स क्या देखिए, विश्व की सेकेंड बेस्ट इंडेक्स बन गई। क्या हो रहा है ये? कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन लोग पैसे लगा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार पैसे लगाए जा रहे हैं। क्या हो गया है आज बाज़ार में? इससे पहले इलेक्शन भी था, ऐसा तो नहीं होता था। हर समय डर बनी रहती थी कि आगे की सरकार कौन सी आएगी, क्या होगा, क्या भरोसा है कि स्थायी सरकार आएगी, इसका कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन देखिए इस अनुमान पे बाज़ार की क्या दौड़ है, क्या इस दौड़ में आप कितना दौड़ पाइएगा, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टर हैं, आप दोनों के लिए एक सलाह है। ट्रेडिंग जब करें आप तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड एकदम नहीं करें। किसी भी दिन एक लंबी गिरावट आ गई, आपके सारे कमाए हुए पैसे खो देंगे। तो बेहतर है कि आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, कोशिश करें कि आज पैसे बनाएं और आज ही निकल जाएं। कल के पर भरोसा ना करें। फिलहाल जिस तरह का सेंटिमेंट चल रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहा है, ऊंचाई पे ऊंचाई शेयर और इंडाइसेस भाग रहे हैं, क्या ये स्थायी सरकार का देन है? उम्मीद में बैठी हुई है, क्या ये सच हो जाए? तो भी रिस्क लेना मुश्किल है। कहना है कि अगर हम मान लेते हैं कि स्थायी सरकार आ भी जाए तो क्या कंपनी स्पेसिफिक अगर हमने न ध्यान दिया है तो क्या सब में मजबूती आ गई? क्या इतनी मजबूत कैसे हो जा रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, उसे देखना भी जरूरी है। DIIs को देखिए, हर दिन बिकवाली कर रहे हैं, FIIs खरीदारी कर रहे हैं। तो बाहर का पैसा आ रहा है और किसी दिन तेज़ी से बाहर का पैसा निकल गया तो सोचिए कि जो निवेशक हमारे भाई सब लगे हुए हैं वो कभी भी धोखे में आ सकते हैं और अच्छा नुकसान करने के होने की उम्मीद हो जाएगी। तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मेरी ये सलाह है कि आप थोड़ा वक्त और दें। इलेक्शन का माहौल है, इस समय तेज़ी चल रही है, किसी भी वक्त समय बदलेगा, एक सरकार को बनने दें, उसके आधार पर लॉन्ग टर्म निवेशक निवेश करें। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए तो है अच्छे दिन। भाई बाजार चढ़ रहा है तो कहाँ कमी है, आप कमाते रहिए, हर दिन मुनाफा बनाते रहिए और निकलते भी रहिए। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, नियम ना तोड़ें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मैं आपका डॉक्टर सुमन कुमार आज ये खबर के साथ, इस इलेक्शन की तेजी को ध्यान रखते हुए ट्रेड करें। इसके पहले इस इलेक्शंस में ऐसे तेज बाजार नहीं रहता था, डरा हुआ रहता था। तो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस पे चलें। डरना इतना भी नहीं है, लेकिन डरना भी जरूरी है, कहीं आप पूरे पैसे ना खो दें। सावधानी बरतकर खेलते रहें और हर दिन मुनाफा करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर सुनील कुमार।